Hello friends, welcome to my YouTube channel Altcoin Reviews. आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ सेम टॉपिक पर आर्बिट्रेजिंग. और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि मैंने सेम टॉपिक पे एक वीडियो कल भी बनाई प्राइस एनालिसिस के ऊपर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्राइस की एनालिसिस करके बताता हूँ कि आज आर्ब कॉइन की क्या प्राइस है और कल के मुकाबले में आज कितना चेंजिंग हुआ है इसके अंदर और आने वाले दिनों में क्या प्राइस एक्सपेक्टेड है. तो कल जब मैंने वीडियो बनाई थी अपनी ये सेम टॉपिक पर, उस वक्त आर्ब कॉइन का प्राइस आई थिंक 34 सेंट्स था और आज जो प्राइस है वो अराउंड 29 सेंट्स पर आ गई है. तो ये मेरे लिए तो एक तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितना प्राइस नीचे आएगा उतना मैं और ज़्यादा बाय करूँगा कॉइन्स को, ताकि आने वाले दिनों में जब ये वापसी बूस्ट करेगा ऊपर तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. तो आज की प्राइस जो है आर्ब कॉइन की वो तकरीबन 29 सेंट है, जैसे ही आप मेरा माउस देख सकते हैं लोग एट द टॉप, ये 1 ARB = 0.002136 जो कि बनते हैं 29.5 सेंट जो आर्ब की एक्सचेंज के अंदर है. ठीक है, आर्बिट्रेजिंग की जो एक्सचेंज है वहाँ पर इसका प्राइस 29 सेंट्स है और ये नीचे भी गया है तकरीबन ये 27 पॉइंट्स, मतलब 27.5 सेंट तक ले गया है और तकरीबन इसी फिगर के अंदर ये घूम रहा है इस वक्त. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के दिन में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 937 इथेरियम का वॉल्यूम है. एक इथेरियम का रेट तकरीबन 138 है. कल जो था तकरीबन सेम ही है और ये इसकी आज की प्राइस का सारा सिस्टम है. तो इस वक्त देख रहे हैं कि बाय वॉल लगी हुई है, ये किसी ने सेल पे लगाए हुए अपने 733.0.002123 पर और बाय के लिए 0.002122 पर किसी ने बाय वॉल लगाई हुई है 442 पॉइंट की. तो तकरीबन ये 29.5 सेंट बनती है प्राइस और कल के मुकाबले में तकरीबन ये प्राइस राउंड अबाउट 5 सेंट डाउन है. और मैं डेफिनेटली अगर कुछ चाहूँ तो यहाँ से डेफिनेटली परचेज करना चाहूँगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि प्राइस वापसी यहाँ से ग्रो करेगी और एक अच्छा प्रॉफिट इन रिटर्न दे जाएगी. तो इसके अलावा जो है वो आपको मैं कॉइन मार्केट कैप का भी अपडेट दे देता हूँ. चलिए कॉइन मार्केट कैप पर चलते हैं और यहाँ पर एक बार पेज को ज़रा रिफ्रेश कर लें ताकि हमें इसकी एग्जैक्ट प्राइस पता चल जाए. ठीक है, कल के मुकाबले में तकरीबन 18.77% प्राइस डाउन आई हुई है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर. जो दो एक्सचेंजेस हैं coinexchange.io और ABCC, और वॉल्यूम कल के मुकाबले में आज ज़्यादा है. कल तकरीबन 3,500 था, आज तकरीबन $11,188 का वॉल्यूम है, क्योंकि लग रहा है काफ़ी लोगों ने सेल की है आज कॉइन. तो शुरू से चलते हैं, इसका जो सिंबल है वो आर्ब है. ठीक है, 28 सेंट इसकी यहाँ पर प्राइस है, 0.000 मतलब 7,158 सतोशी इन BTC, 19% डाउन इन इथेरियम, 0.00201978 तकरीबन ये भी सेम 19% डाउन. ठीक है, $11,188 का वॉल्यूम है जो तकरीबन 2.85 BTC और 8.53 इथेरियम बनते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मैंने आपको बताया पहले भी वो इथेरियम के पेयर के अंदर है, $10,219 28 सेंट प्राइस है और 90% का वॉल्यूम उसी पेयर के अंदर है. इसके अलावा $969 BTC वाले पेयर के अंदर है और 27 सेंट इसकी प्राइस है, 27.5 सेंट और 8.54% इसका वॉल्यूम है. और सेम ABCC आज कल के मुकाबले में ज़्यादा है, कल $80 था, आज $155 है और ये डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है.
उम्मीद आने वाले दिनों में ये भी 10% को क्रॉस कर जाएगा। 30 सेंट्स यहाँ पर प्राइस है और 1.37% इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अभी तो चलते हैं इसको ज़रा कल की प्राइस के साथ कंपेयर कर ले। ठीक है, तो देखा जाए तो यस्टरडे ओपन और क्लोज जो था वो 33 और 34 सेंट्स था, और यस्टरडे हाई और लो जो था, मतलब 33 पर ओपन होके 37 तक हाई गया है और 32 तक लो पे जाके 34 पे ये क्लोज हुआ था। ठीक है, तो यस्टरडे के मुकाबले प्राइस तकरीबन राउंड अबाउट अगर देखा जाए 34 सेंट, और अभी है तकरीबन 28 सेंट, तो 4 और 2 तकरीबन 6 सेंट प्राइस कल के मुकाबले में डाउन है। ठीक है, लेकिन ये अब यस्टरडे का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो यस्टरडे वॉल्यूम था $3,734, और आज अभी पूरे 24 घंटे हुए नहीं है और वॉल्यूम है $11,188, मतलब तकरीबन कल के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम है आज। मतलब ये इन्वेस्टमेंट आई है इस कॉइन के अंदर आज, मतलब लोगों ने सेल किए हैं तो सामने लोगों ने बाय भी किए हैं। आप ये देखें कि जो पैनिक में सेल करते हैं वो बाद में हमेशा पछताते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आपको ही पता है कि लोग घबरा के कॉइन सेल कर देते हैं, जैसा कि कोई मसला हुआ कुछ भी हुआ तो सेल कर देते हैं कॉइन डर के लोग कि ये यार अब ये कुछ पंगा हो जाएगा, और बाद में जब वो देखते हैं कि प्राइस ऊपर चली गई तो वो बाद में पछताते हैं और फिर ऊपर परचेस करते हैं जाके और ऊपर, इस डर से कि यार ये और आगे ना निकल जाए। ठीक है, तो इसको फोमो बोलते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो ये यही चीज़ है कि इस वक्त लोग डर के सेल कर रहे हैं कि प्राइस नीचे ना गिर जाए। ठीक है, और जब ये वापसी ऊपर जाने लगेगा तो यही लोग होंगे जिन्होंने फेयर ऑफ मिसिंग आउट फोमो के अंदर सेल किए हैं, ये इसी में बाय करेंगे फोमो के अंदर। ठीक है, तो FOMO इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे रह जाने का डर। ठीक है, तो वो इसी डर में, पीछे रह जाने के डर में वापसी परचेज कर लेंगे कि प्राइस और आगे ना निकल जाए, और यही होना है कि प्राइस फिर और आगे निकलती जाएगी, और जिन्होंने इस वक्त सेल किए होंगे वो पछता रहे होंगे कि काश हमने सेल ना किए होते, और जो इधर बाई कर रहे हैं वो बेस्ट प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि इतना नीचे ये एक तरह से गोल्ड बाय करने वाली बात है कि इस रेट पे बाय करना, और जब ये $1, $2, $3, $5, $10, $12 तक वापसी जाएगा तो आप खुद सीधा सीधा अंदाज़ा लगा लें कि 28 सेंट पर बाय करना, और अगर $3 तक भी ये चला जाता तो 10 गुना प्रॉफिट। मतलब अगर आप अभी $1,000 के कॉइन लेते हैं इस रेट पर 28 सेंट पर, और अगर ये $2.80 पर चला जाता है तो स्ट्रेट 10x प्रॉफिट है। ठीक है ना, और अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है जो $12 था, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 5 गुना राउंड अबाउट प्रॉफिट हो जाएगा। 5 गुना मतलब $1,000 लगाएंगे तो सीधा सीधा आपका $50,000। ये तो चलो खैर एक बहुत लंबी गेम है, मतलब ऐसा नहीं होना कि आज आपने ले लिया और ये 4 दिन बाद चला गया $12 पर, इस तरह से तो नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को आइडिया है ये क्रिप्टो मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है ये 28 सेंट से और नीचे भी आए, 20 सेंट पे भी आ जाए। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको अपने ओपिनियन बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं लेना तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने प्रॉफिट और अपने नुकसान के जिम्मेदार आप खुद हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको वो गाइड कर रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं यहाँ से परचेज कर रहा हूँ कॉइन। ठीक है, और मैं और गिरेगा तो और भी परचेज करूँगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं जा रहा। तो अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का आप अपने माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट रख कर बाय करते हैं इस कॉइन को, तो डेफिनेटली आने वाले 2-4 महीनों के अंदर, जब इनकी आगे टाइम्स में कमिंग अपडेट्स आने वाली हैं वो जब रिलीज होंगी, तो उस वक्त इसने डेफिनेटली ऊपर जाना है और आपको अच्छा प्रॉफिट देना है। अगर आने वाली अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं
तो कल मैंने रोड मैप पर वीडियो बनाई है, वो वीडियो देखे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर कितनी अपडेट्स होने लगी हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं इस कॉइन के अंदर और इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज के प्राइस के एनालिसिस यहीं पर एंड करते हैं और कल मैं फिर इसी के साथ हाजिर होऊंगा नई प्राइस अपडेट्स के साथ। उम्मीद करता हूँ कल प्राइस ऊपर गई भी होगी तो जिन्होंने मेरी इस वीडियो को देखकर यहाँ से परचेज किए होंगे वो डेफिनेटली इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने का, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।